अब एक और चीज था, फॉर द टाइम बींग जस्ट स्टे, जस्ट थिंक ऑफ द ग्रामर ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन कौन सा होता है वो क्या है, बट अभी हम लोग ग्रामर ऑफ प्रीपोजिशन जरा टेकअप करते हैं। देखो एक इसको प्रीपोजिशन को टेकअप करने के पहले एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अभी जस्ट एक एक सेंटेंस लो, एक ग्रामर का पार्ट होता है जब आप सेंटेंस में, अच्छा एक सेंटेंस है ये कंप्लीट, मीनिंग कंप्लीट है, आप इस सेंटेंस का जरा ग्रामर टेकअप कीजिएगा। अगर मैं लिखूं ये सब्जेक्ट है, ओके, इसको इंग्लिश में पार्सिंग कहा जाता है। पार्सिंग का मतलब इन अ गिवन सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट डिफाइनिंग द स्टेटस और द फंक्शन ऑफ ईच वर्ड सेपरेटली, हर वर्ड का अलग अलग फंक्शन या स्टेटस डिसाइड करना। स्टेटस मतलब नाउन से लेके कंजंक्शन इंटरजेक्शन तक, और ये हमारे बुक्स में अनअवेलेबल है, जबकि ग्रामर का ये बेसलाइन होता है। जैसे देखो ये तुमको सब्जेक्ट दिखाई पड़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डालना है तो दिस इज प्रोनाउन, ये वर्ब। अब मैं इन चार वर्ड का ग्रामर आपसे जरा जानना चाहूंगा, मैंने दो बहुत आसान बता दिया आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पार्सिंग। व्हाट इट इज, ऑब्जेक्ट The thing is there, this is an adjective. Verb के साथ जुड़ा हुआ word adverb होता है, but there are some exceptional words, exceptional verbs जिनके साथ adjective आता है, adverb नहीं आता। जैसे देखो जरा, मैं इसको अभी अभी यहां से हटा दूंगा। He looks smart या smartly? ly लगाएं या नहीं लगाएं? नहीं लगेगा। ही रन्स स्लो या स्लोली? स्लो, स्लोली। अब अगर आपके पास ये दोनों सेंटेंस ठीक लग रहे हैं तो एक क्लियर क्लियर इंडिकेशन यहां ग्रामर के रूल्स का मिल रहा है, वो बताना मेरा काम है कि वर्ब के बाद कभी तो एडजेक्टिव आता है और कभी एडवर्ब आता है। और ये जो पार्ट है ना कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव कब आता है, ये एक्सेप्शनल केसेज हैं, नॉट द नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। सो उसी ग्रुप का ये यहां पे है, हमें ये पढ़ना होगा बाद में जब हम लोग प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे। तो अभी तो प्लेसमेंट वर्ड्स देख रहे हैं हम लोग। वी फील इनसिक्योर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दिमाग में जिनके वर्ब बन रहा है वो गड़बड़ है। राम इज इंटेलिजेंट, क्या इज का ऑब्जेक्ट हो गया वो? सो ये तुम्हारा इसका पार्ट ऑफ स्पीच बोलो तो नाउन, इसको बताओ प्रोनाउन। तब तो अगर प्रोनाउन है तो आई राम ऐसे ऐसे आराम से लिखा जा सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सर, नाउन के पहले आप एक ही चीज रख सकते हो, एंड दैट इज प्रॉब्लम। ये है ना कि जब आप ग्रामर पढ़ना शुरू करते हो तो कंसेप्ट को हम रखते हैं किनारे और आंख से बनाते हैं। आवर लगा, अब आवर चूंकि वी से बना है इसलिए वी प्रोनाउन, तो आवर वी प्रोनाउन। जबकि हकीकत यह है कि प्रोनाउन का एक सेक्शन एडजेक्टिव हो जाता है, जिसको एडजेक्टिव का ही दो पार्ट होता है, एक एक पार्ट को डिटरमाइनर बोला जाता है,
वो एडजेक्टिव का पार्ट है। नाउ इस वर्ड को टेकअप कीजिए आप, एडवर्ब। नाउन, सर आप कुछ भी मान लो सेंटेंस में, नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब का प्लेसमेंट किसी रूल पे होता है ना, कि जहां मन करे 10 वर्ड लिया है फेंक दिया, यहां पे नाउन चला जाएगा यहां पे एडजेक्टिव चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। वो बीज नहीं बोना है कि उठा के बस छीट छीट दिए हम लोग। ये वर्ड अगर लगा हुआ है तो ये किसी नियम के बेस पे, यहां अगर आपने सपोज करो आपने कहा एडवर्ब, तो ऐसा भी होता है कि एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आता है, तब तो हम लोग ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं गुड, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली पहले आएगा, पहले आएगा ना। और अगर आप बोलोगे एडवर्ब है तो ये किस वर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। मैं किसी खास कारण से आपको दिया है, सो दिस डज नॉट स्टैंड एज एन एडवर्ब। तुम अगर ले लो नाउन, तो ये नाउन यहां पे कौन सा काम कर रहा है, बीच में कहीं भी नाउन रख लेते हैं, ही फील्स इनसिक्योर्ड, उसे सॉरी हम लोगों को असुरक्षा महसूस होती है, शिष्टाचार, बीच में नाउन रख लेते हैं। तो सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस इज अ बेवकूफ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जरा बताइएगा। अगर ये मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है तो शिष्टाचार बीच में कहां से आ गया, मैं एक बार ध्यान रखिएगा, द फैक्ट इज देयर दिस इज अ प्रीपोजिशन, कारण है, अभी रुक जाइएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों को जैसे नाम लेते हैं प्रीपोजिशन का ना, तो हमको इन, ऑन, अपॉन, बाय, फॉर, इस टाइप का प्रीपोजिशन दिखाई पड़ता है। अगर मैं हब, ये वर्ड प्रीपोजिशन है, अब ये तो आपके नॉलेज का लिमिट है ना, कि हम लोगों का प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन, बाय तक ही सीमित है। सर दिस इज अ प्रीपोजिशन विच मींस और अगर आपको डाउट लगे कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, तो सर आपके पास देर इज डिक्शनरी, देर इज नेट टू सर्च वेदर दिस इज यूज एज प्रीपोजिशन और नॉट। आप जाके देख लीजिएगा भाई, अभी सुविधा नहीं है, अभी मत देखेंगे, अभी अभी देखने की जरूरत नहीं है, घर में जाके देख लीजिएगा। अब आप ये याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन को भी पहचानना, अदरवाइज या तो ये नॉलेज बने कि हमारे पास ये नॉलेज हो, और इनिशियल स्टेज में जो बचपन में होता है वहां पे ऐसा प्रीपोजिशन तो नहीं बताया जाना चाहिए, ये एडवांस लेवल की बात है ना। अब हमें ये लगता है कि जो हम जानते थे वो इंग्लिश का कंप्लीट नॉलेज था, इसलिए यहां देख के आपको आश्चर्य हो रहा होगा। मैथ में कुछ नई चीज मिले तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भाई एडवांस लेवल पे काम चल रहा है। अंग्रेजी में तो ऐसा लगता है जैसे हम सब जानते हैं बचपन से ही। सो प्रीपोजिशन का शक्ल अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, जिसको नॉर्मली तुम नाउन बोलते हो, वो भी प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा। और इसको जानना कि ये प्रीपोजिशन है, ग्रामर का खासा हाई लेवल चाहिए, तब आप इसको प्रीपोजिशन पकड़ सकते हो। नॉर्मल में तो नहीं पकड़ाएगा, बच्चे को तो नहीं पकड़ाएगा। इसको लिखेंगे जरा, मेरे को ग्रामर ऑफ प्रीपोजिशन, खाली सेंटेंस को लिखिएगा बस, और कुछ नहीं, ऊपर वाला नहीं। ये दिखाने के लिए कि प्रीपोजिशन का मुंह कैसा भी हो सकता है। अब देखो, आपको ये पता होगा पहले से कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका काम जोड़ने में यूज किया जाता है, एक कंजंक्शन और दूसरा प्रीपोजिशन। जानते होंगे कंजंक्शन के बारे में, आपने सुना होगा कि कंजंक्शन वाक्यों को जोड़ता है और प्रीपोजिशन शब्दों को जोड़ता है, ये तो आपको पता होगा। सो आपको जब प्रीपोजिशन का ग्रामर पढ़ना हो तो एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि प्रीपोजिशन के पहले क्या आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा ये बंधा हुआ है।
और अगर ये चीज फिक्स है कि इसके बाद जस्ट क्या रहेगा, तो ये कॉमन एरर का एक एरिया बन जाता है। अच्छा खासा अगर मैं बांध दू, यहां पे कुछ भी रख सकते हो, इधर में आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अगर यहां पे बंधा हुआ होगी, यहां पे यही चीज आएगा, तो फिर वो कॉमन एरर का एरिया बनेगा ना। देखो प्रीपोजिशन के बाद द फैक्ट इज देयर कि जब भी आता है तो नाउन ही आता है। अभी रुकेंगे, लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, बचपन से कोई पढ़ाया नहीं, आज पढ़ा रहा है तो फिर लिख रहे हैं, वेट करो वेट करो। अभी प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। अब एक फैक्टर कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? मैं मतलब पूछ रहा हूं जो नाउन के बदले में यूज किया जाए, ठीक है। अब अगर मैं कहीं पे नाउन यूज कर रहा हूं तो नेचुरल है कि वहां पे प्रोनाउन भी यूज होगा। नाम ही है भाई प्रोनाउन, जो नाउन के जगह पे आ जाए। तो अगर नाउन है तो नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन भी रख सकते हैं। और एक और चीज होता है, दैट इज कि यहां वर्ब का नाउन फॉर्म रखा जा सकता है। वर्ब का नाउन फॉर्म, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग भी फोर। सो आप एक चीज याद रखना कि अगर आपका प्रीपोजिशन है उसके बाद अगर यूज करना है तो यू विल फाइंड इधर अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ वर्ब इन द फोर्थ फॉर्म। गेटिंग? ये बहुत प्लेन हो गया। इस इनका नाउन कहां है या नाउन आया है कि प्रोनाउन आया है या वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है? नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, क्या आया हुआ है इस इन के बाद? इन तीनों में से कोई ना कोई तो एक होगा ही ना। जल्दी बोलो भाई, So, तुम्हारा नाउन कौन सा है? एक्सट्रीमली एन कैलस। तो अगर आपको देखो ग्रामर इसीलिए बच्चों के लिए नहीं बना है, या ग्रामर पढ़ के कोई आज तक अंग्रेजी नहीं सीख पाया, क्योंकि अंग्रेजी जब आप सीख लोगे ना तो ग्रामर को समझने की स्थिति में होते हो। जब अंग्रेजी आ जाती है, पढ़ने आ जाती है थोड़ा बहुत, आप जो बनाना शुरू कर दिए, उसके बाद आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने की स्थिति में आते हो। वो नहीं है, आपको अभी तक ग्रामर क्या मिला था? बस एक इंफॉर्मेशन लो, नाउन पांच प्रकार का होता है। अभी मैं नाउन खोजवा रहा हूं, वो प्रकार गया किनारे। अब आपने निकाल लिया यहां पर ये कि ये नाउन है, फाइन नाउन है, मैंने मान लिया। तो इसका मतलब कि नाउन की विशेषता एडजेक्ट एडवर्ब भी बताता है। तब तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर, एन इंटेलिजेंटली बॉय, ऐसे लिख सकता हूं। तो फिर तुम इसको नाउन किस बेस पे मान रहे हो वो जरा सोचो। अब मैं पूछ रहा हूं कि नाउन कहां है। हम लोगों को जब पता क्या बताया गया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एसवीओ, और कैसा देगा? काउ ईट्स ग्रास,
भाई हर हाल में हो, अब लेवल बढ़ेगा ना। चौथे क्लास में काउ इट्स ग्रास आप करो, बात समझ में आती है, बच्चे का मेंटल लेवल कम है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे काउ इट्स ग्रास से ही काम चलाएंगे एसबीओ का। और वही चीज मैं थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट, मतलब थोड़ा लेवल मैंने बढ़ा दिया, अब शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नाउन यहां है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है, बट द लास्ट वर्ड नाउन इज समथिंग लाइक, नाउन एक्चुअली जब यूज होता है ना तो अकेले तो कभी आता नहीं है, नॉर्मल कब, रेयर कभी होता है कि अकेला एक नाउन का वर्ड रखा हुआ है, रेयर। नाउन इज समथिंग लाइक व्हाट यू कॉल अ सॉर्ट ऑफ, किसी मूवमेंट का कोई अगर सॉलिड वाला, मतलब जो स्वार्थी लीडर हो ना, तो लीडर क्या होता है कि सबसे अंत में रहता है, उसके पहले उसके चेला चपाटी रहते हैं, शॉक ऑब्जर्वर, वो एकदम अंत में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि रूल ये है कि आप नाउन यूज करो कहीं भी, नाउन के पहले आप डिटरमाइनर लगा सकते हो, ए एन द, माई आवर योर मच मेनी सम फ्यू कर सकते हो ना, डिटरमाइनर हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नाउन को यूज करके। मैं नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना सर, यस सर नो, मैं ग्रामर ये बोलती है कि मैं एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रख सकता हूं, गुड के पहले मैंने वेरी रख दिया, ठीक है, और सबको मिला के एक बना देते हैं, अब ये जो ए बॉय लिखा हुआ था, ए बॉय अभी भी है, बस बीच में कहीं भी नाउन है उसके पहले हम उसका एडजेक्टिव रख सकते हैं और एडजेक्टिव का अपना एडवर्ब रख सकते हैं, बस ये दोनों अलग हो जाएगा बीच में अकोमोडेट करने के लिए, समझ रहे हो, अभी अभी नहीं, अभी पेन नहीं। एक और थ्योरी कि क्या जरूरी है कि मैं एक ही एडजेक्टिव रखूं, क्या जरूरी है कि मैं एक ही एडवर्ब रखूं, गुड एंड इंटेलिजेंट हो सकता है ना, अब मैं क्या लिखूंगा, गुड लिखा, एंड लिखा, इंटेलिजेंट लिखा, लिखा बॉय रख सकता हूं यहां पे, ए रख सकता हूं, नहीं रख सकता, इस एडजेक्टिव का मैं एडवर्ब यहां रख सकता हूं ना, इसके लिए अलग से एडवर्ब डाल सकता हूं, लिख सकता हूं ना, इसके पहले मैं एन लगा सकता हूं ना, क्योंकि इसमें ए लगेगा इसमें एन लगेगा, तो सर ए बॉय ही अभी भी लिखा हुआ है, ए बॉय अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन ए यहां गया और बॉय यहां गया, सेम तुम देखो तो जरा, एन के बाद मैनर लिखा हुआ है, मैंने इसके साथ एक एडजेक्टिव जोड़ा, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रखा, एंड लगाया, दूसरा एडजेक्टिव डाला, एडजेक्टिव के पहले मैंने एडवर्ब रखा और नाउन को मैंने यहां कर दिया। अब जा देखो तो कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है कि नहीं आया है, है या नहीं, और उस ग्रुप का जो लास्ट वर्ड होगा ना दैट विल स्टैंड एज ए नाउन, उस ग्रुप का लास्ट वर्ड, गेटिंग,